हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। 69,000 भर्ती की पासिंग मार्क्स को लेकर रिजवान अंसारी की तरफ से ऑडियो जारी किया गया है दोस्तों। ये ऑडियो सुनना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है दोस्तों, कि भर्ती की जो कट ऑफ को लेकर मैटर चल रहा है हाई कोर्ट में, उसकी आखिर क्या सुनवाई हो रही है और क्या क्या वकीलों की तरफ से बहस की जा रही है और क्या अंदर कोर्ट के अंदर क्या चल रहा है, ये सभी के लिए जानना बहुत ही जरूरी है जिसने भी ये परीक्षा दी है दोस्तों। तो ऑडियो को ध्यान से सुनिएगा, रिजवान अंसारी की जो सभी बातें ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्या कोर्ट के अंदर चल रहा है, ये आपको ऑडियो सुनाते हैं रिजवान अंसारी का। उससे पहले आप लोगों से दोस्तों रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि आप लोगों को हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले दोस्तों। आइए रिजवान अंसारी का ऑडियो सुन लेते हैं दोस्तों। साथियों नमस्कार, मैं रिजवान अंसारी हाजिर हूँ आपके बीच आज की कोर्ट अपडेट के साथ। साथियों, माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के उपरांत लगाए गए अवैध पासिंग मार्क के विरुद्ध आज सुनवाई हुई। साथियों, टीम ने अपनी रणनीति के तहत, जो टीम का प्लान पहले से तैयार था, उसके तहत आज काम किया और उस काम का परिणाम आपको ऑर्डर में बखूबी देखने को मिलेगा। साथियों, हमने दो बार, हमारी पूरी टीम दो बार इलाहाबाद गई। दो बार इलाहाबाद इस बीच जाने के बाद हमने पूरा राधाकांत ओझा साहब, जो कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के सबसे सीनियर अधिवक्ता हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के इससे पहले बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं, उनका आज 9 सालों के बाद माननीय न्यायालय में किसी केस को लेकर लखनऊ में आगमन हुआ। वह व्यस्तता उनके पास में अधिक रहती है, पूरा प्रदेश जानता है, जो भी विधिक मामलों के जानकार हैं वह जानते हैं राधाकांत ओझा साहब की अहमियत, राधाकांत ओझा साहब का कद सारे लोगों को भली बात पता है। हम धन्यवाद देते हैं, हमारी पूरी टीम धन्यवाद देती है उन सभी माध्यमों का, उन सभी लोगों का, उन सभी सीनियर साथियों का, जिन्होंने राधाकांत ओझा साहब को यहाँ पे लाने में अहम भूमिका निभाई। और अमित सर के वो सारे प्लान जो आज उन्होंने बनाए थे, जो आज कारगर साबित हुए, जो चीजें छूट रही थी, जो चीजें अभी तक की बहस में शामिल नहीं हुई थी, उन पॉइंट्स के ऊपर, उन सारे बिंदुओं के ऊपर आज सीनियर मोस्ट एडवोकेट राधाकांत ओझा साहब ने कोर्ट में लगभग 1.5-2 घंटे लगातार बहस की, जोरदार बहस की। और जिससे मानने वाली और सोचने वाली बात यह है कि जिससे कोर्ट पूरी तरह सहमत दिखी, कोर्ट ने पूरी तरह से सहमति के कमेंट्स दिए। सबसे बड़ी चीज, जो बेसिक शिक्षा अधिनियम है 1972, उस अधिनियम के तहत ओझा साहब ने आज कोर्ट में यह साबित कर दिया कि सरकार को यह राइट ही नहीं है, किसी आईएएस या किसी सचिव स्तर के अधिकारी को यह राइट ही नहीं है कि वह किसी भी प्रकार का किसी भी परीक्षा में पासिंग मार्क निर्धारित कर सके, और ऐसी परीक्षा में जिससे कि अध्यापक अपॉइंट हो रहे हो, क्योंकि बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 ये कहता है कि एनसीटी सुपर अथॉरिटी है और एनसीटीई ही पासिंग मार्क का निर्धारण करेगी समय समय पे। अगर इन्होंने ऐसा किया है तो वह टोटली गलत है। एनसीटीई का जो एक्ट है 1972 का, बेसिक शिक्षा अधिनियम, उसको ओवर रूल करके यह किया गया है, किसी भी प्रकार से नहीं लगा सकते। दूसरी चीज, उन्होंने जो कोर्ट में रखी जिससे कोर्ट पूरी तरह से संतुष्ट हुआ, सहमत हुआ, दयाराम वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, दयाराम वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के बिहाफ पे ओझा साहब ने कोर्ट में यह क्लियर कर दिया कि दो शिक्षा मित्र हैं, एक ही ग्राम पंचायत के शिक्षा मित्र हैं, एक ही दिन पे उनका सिलेक्शन हुआ, एक ही कमेटी ने उनको सिलेक्शन किया, एक साथ में उन्होंने ट्रेनिंग की, एक साथ में उन्होंने ज्वाइनिंग की, और एक साथ में ही उन्होंने टीटी का रिजल्ट परीक्षा दी, और परीक्षा देने के बाद एक शिक्षा मित्र का कुछ अंक कम रह गया, पिछली भर्ती में वो नहीं हो पाया, और एक शिक्षा मित्र पिछली भर्ती में हो गया 40 और 45 के कट ऑफ पे। उसके बाद अगली जब भर्ती आती है, चूंकि एक साथ में ही
इनको माननीय सर्वोच्च न्यायालय से इनका समायोजन निरस्त किया गया था दोनों का। तो ऐसी स्थिति में जब दूसरी परीक्षा हुई और दूसरी परीक्षा में वो जो दूसरा बचा हुआ शिक्षा मित्र है वो पहले वाले शिक्षा मित्र से 20-25 अंक ज्यादा ले आता है, 20-25 अंक अधिक ले आता है, और उसके बाद भी इनके इस जीओ के हिसाब से वह बाहर रह जाता है। ऐसी स्थिति में दयाराम वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु और जो आर्टिकल 14 है समानता का अधिकार, उसका पूरा पूरा उल्लंघन हो रहा है, पूरी तरीके से संविधान की अनदेखी की जा रही है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 25 जुलाई 2017 के आदेश का अवहेलना की जा रही है। तीसरी चीज, जो पासिंग मार्क लगाने के पीछे की जो मंशा है, उस मंशा को भी उन्होंने अपने तरीके से अलग तरीके से डिफाइन किया और जिसको कोर्ट ने नोट किया, किसी वर्ग विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए किसी आर्डर का हवाला देते हुए उन्होंने बोला कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया है उस आर्डर को इन्होंने अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद उसको गौड़ कर रहे हैं, उसको खा जाने का काम कर रहे हैं, ऐसा काम नहीं किया जा सकता। और ऐसा काम करना एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के 25 जुलाई 2017 के आदेश की अवहेलना है। साथियों, आज माननीय कोर्ट में ओझा साहब ने जिस प्रकार का आर्गुमेंट किया, जिस प्रकार की बहस की, वह आपको फाइनल जजमेंट में दिखेगी। सारे जो पॉइंट्स हैं वह फाइनल जजमेंट में दिखेंगे। और आज तक इससे पहले जो हमने पक्ष रखे थे, जो हमने बहस की थी, उसमें उन पॉइंट्स पे चर्चा नहीं की गई थी। आज के पॉइंट्स बिल्कुल पहले की चर्चा से पूरी तरह से अलग रहे। हमने कहीं पर भी यह जिक्र नहीं किया कि हम शिक्षा मित्र हैं, हमें दो मौका मिला है, केवल हमें इस भर्ती में ही मौका चाहिए। हमने इस प्रकार का कोई भी आर्गुमेंट, किसी भी प्रकार का मर्सी पिटीशन टाइप का कोई भी आर्गुमेंट आज की इस बहस में नहीं रहा। आज की इस बहस में जो चीजें रही वो उनसे साफ साफ ये साबित होता है कि हमारा अधिकार, अधिकारों का पूरी तरीके से हनन हो रहा है। हमारा जो अध्यापक के पद पे जो नियुक्ति है उसको एक तरह से खाने का, एक प्रकार से चुराने का काम संस्थाओं के द्वारा या अथॉरिटी के द्वारा किया जा रहा है। और कोर्ट इससे पूरी तरह से सहमत हुई। दो घंटे पौने दो घंटे की बहस के दौरान सारी चीजें, सारी बातें निकल के आ गई। साथियों, उसके बाद एलपी मिश्रा साहब ने बहस की कमान संभाली। एलपी मिश्रा साहब अभी अपना स्टार्ट किए हैं, जो परसों की सुनवाई होगी, कल कोर्ट बंद है, परसों की सुनवाई जो होगी, परसों की सुनवाई में एलपी मिश्रा साहब कंटिन्यू रहेंगे। उसके बाद अगर सरकार को लगता है कि कोई पक्ष उनको उस पर ऑब्जेक्शन करना है, जो बातें हमने कही हैं उन पे अगर उनको आपत्ति करनी है, तो सरकार अपना पक्ष रखेगी या रख सकती है। अगर सरकार पक्ष रखती है और उनसे हम सरकार के पक्षों से असहमत होते हैं, सरकार अगर हमारे विरोध में पक्ष रखती है, तो हमें मौका मिलेगा। और यही प्रोसीडिंग का हिस्सा है। बहुत से लोग यह कह रहे हैं, बहुत से लोग, मुझे बताया गया कि बहुत से लोगों ने कहा कि केस में बहुत टाइम लग रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ में आपको जानकारी होनी चाहिए, यह अकेला और पहला ऐसा केस है जो अभी एक महीना भी दाखिल किए हुए नहीं हुआ है। और उसके बाद 17 तारीख, आप याद करिए, 17 तारीख को पहली सुनवाई हुई थी, अभी एक महीना नहीं हुआ, आज 11 तारीख है, एक हफ्ता उसमें भी कम है। और आप 3 सप्ताह के अंदर केस फाइनल हियरिंग पे, फाइनल पोजीशन पे पहुंच जाता है, तो इससे जल्दी न्यायालय में आप उम्मीद मत करिए कि इससे जल्दी केस फाइनल हो जाएगा। जितनी जल्दी हो रहा है, इतनी जल्दी शायद ही इससे पहले कोई केस हुआ हो, इससे पहले शायद ही कोई केस आपने देखा हो। अगर इतनी जल्दी लगातार सुनवाइयां करवाई जा रही हैं, लगातार डेट लग रही है आपकी रोज के रोज, और कोर्ट लगभग लगभग आपको अपने पूरे हिस्से का आधा टाइम आपके इस केस के लिए स्पेशली दे रही है, जाहिर सी बात है आपका जो केस है वह अति गंभीर है,
कोर्ट को भी लगता है कि बहुत ही सेंसिटिव मामला है, इसलिए कोर्ट गंभीरता पूर्वक आपके केस को फाइनल मुकाम पे लेके आ गई है। अब चूंकि फाइनल हियरिंग है, या लास्ट आर्गुमेंट है डॉक्टर साहब का, डॉक्टर साहब के आर्गुमेंट के बाद फाइनल हियरिंग होगी, और फाइनल हियरिंग एक दिन की हियरिंग होने के बाद आपका जजमेंट आ जाएगा। ऐसी स्थिति में आप धैर्य बना के रखें। हम संतुष्ट हैं कि हमें जो बातें माननीय न्यायालय में रखनी थी, जो पक्ष हमें माननीय न्यायालय में रखना था, वो हमने अच्छे तरीके से उचित साक्ष्यों के साथ में रख दिया है, प्रस्तुत कर दिया है। हम हमारी कार्यशैली से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। और रही बात काम करने की, तो हम और हमारी टीम केवल अपने तरीके से और अपने सिद्धांतों पे काम करने के लिए जानी जाती है। हम काम केवल और केवल अपने तरीके से ही करते हैं, अपने तरीकों से, अपने सिद्धांतों से समझौता करना हमने नहीं सीखा है। जब हमें जहां पर जो सही लगता है या जो सही लगेगा, हम वही करते हैं और हम वही करेंगे। हमेशा हमने यही किया है और इसी के बलबूते हमें परिणाम मिले हैं। हमने यहां से लेकर और माननीय सुप्रीम कोर्ट तक विजय पताका फहराई है, तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि हम अपने सिद्धांतों के साथ में किसी प्रकार का समझौता नहीं करते हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अभी आप धैर्य रखिए, सोशल मीडिया पे चलने वाली जो बयानबाजी है उससे दूर रहिए। हो सकता है कुछ लोगों का काम ही हो केवल सोशल मीडिया को हैंडल करना, हमारे पास उतना समय नहीं है, हमारी टीम के पास उतना समय नहीं है कि हम सोशल मीडिया पे आके आपके शंकाओं का समाधान कर सकें। हमें जो सही लगता है, हम जो कर सकते हैं, अपना बेहतर से बेहतर परिणाम, आपने हमारी टीम के ऊपर भरोसा किया, पूरे प्रदेश ने टीम के ऊपर विश्वास किया, उसके बदौलत जो टीम बेहतर से बेहतर कर सकती है, वह सारे प्रयास, सारे प्रयत्न हम कर रहे हैं। और इसी के साथ मैं एक बात और जोड़ देना चाहता हूं कि जो भी साथी, जो भी लोग और लड़ रहे हैं, जाहिर सी बात है उनका उद्देश्य कहीं ना कहीं एक ही है। तो मेरी नजर में सारे लोगों के प्रयास अच्छे हैं, सारे लोगों के प्रयास सराहनीय है। जो जितना कर सकता है वह उतना कर रहा है। नौकरी सभी को चाहिए, आपको भी चाहिए, हमें भी चाहिए, और उन लोगों को भी चाहिए जो घरों में बैठे हैं। इसलिए अपने अपने स्तर से जिसको जितना ज्ञान है, जिसके जितने प्रयत्न हैं, जो जितना कर सकता है उतना वह कर रहा है। इसलिए हमें खुले हाथों से, खुले मन से करने दीजिए जो हम कर रहे हैं। हमें आशा ही नहीं, पूरा पूरा उम्मीद है, पूरा पूरा विश्वास है कि हम विजय श्री की तरफ बढ़ चुके हैं, हमारे कदम विजय श्री की तरफ बढ़ चुके हैं। आज हम साक्ष्यों के ऊपर, आज हम सबूतों के ऊपर पूरी तरह से मजबूत हैं। जो चीजें, जो बातें हम माननीय न्यायालय को अच्छे से, अच्छे तरीके से रखना चाह रहे थे, वो बातें हम माननीय न्यायालय तक पहुंचा चुके हैं। साथियों, अभी जो भी बातें या जो भी चीजें आप तक पहुंचाना होगा, हम पहुंचाएंगे। ऑडियो हर बार देना, दे पाना शायद संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कार्य की अधिकता है। अभी इस समय हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि विपक्ष क्या आर्गुमेंट करता है, विपक्ष के आर्गुमेंट को नोट करके और उनको उसी दिन पॉइंट आउट करके और उसी दिन जवाब देना। इस पे हमें और ज्यादा सजग, और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। विपक्ष क्या कह सकता है, इस पे हमें अभी और ज्यादा विचार करने की जरूरत है, क्योंकि अंतिम जीत तभी मानी जाती है जब आपके हाथ में फाइनल जजमेंट हो। क्यों? जीता वही जो सिकंदर, या सिकंदर वही जो जीता, आप इसको अपने हिसाब से जो भी कहावत है आप कह सकते हैं, मुझे कहावतें नहीं आती हैं। हम आपके बीच में समय समय पे अवश्य उपस्थित होते रहेंगे। इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहते हैं विधि चारक अमित सर का, जिनकी बदौलत आज की पूरी रणनीति जो बनाई गई थी वह कारगर हुई। अमित सर इलाहाबाद गए, दो बार वो इलाहाबाद जाके ब्रीफ किया, उसके लिए भी कोटि सा धन्यवाद, कोटि सा अभिनंदन अमित सर का, और पूरी टीम के उन जुझारू कमांडोज का बहुत बहुत अभिनंदन जिन्होंने यहाँ से लेकर इलाहाबाद तक संघर्ष किया, यहाँ से लेकर इलाहाबाद तक का सफर किया।
और राधाकांत ओझा जैसे जिन सीनियर एडवोकेट जिनको आज पूरा उत्तर प्रदेश सम्मान की दृष्टि से देखता है, जानता है और पहचानता है, आज की तारीख में उनके बारे में अधिक परिचय देना मेरे हिसाब से अतिशयोक्ति होगी। इसी के साथ आपके संघर्ष का साथी रिजवान अंसारी, जय हिंद। तो दोस्तों, इसमें आपने रिजवान अंसारी का ऑडियो सुना कट ऑफ को लेकर। इसमें रिजवान अंसारी को पूरा विश्वास है कि इसमें उनकी जीत होगी और 40-45 की जीत होगी और 60-65 की हार होगी दोस्तों। तो ये आपने रिजवान अंसारी का ऑडियो सुना दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।